दोस्तों, वैसे हम सभी लोग जानते हैं कि अगर कोई इंसान इस दुनिया में नहीं है, वो दुनिया से अलविदा कह गया है, तो उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहिए। क्योंकि हमने राजू श्रीवास्तव से जुड़ी हुई सारी खबरें आप तक पहुंचाई हैं, तो इसीलिए ये जानना भी आपके लिए बेहद जरूरी है। दरअसल राजू श्रीवास्तव एक बेहतरीन कलाकार थे, उससे कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन क्या वो वाकई एक उतने ही अच्छे इंसान थे जितना उन्हें दिखाया जा रहा है? दरअसल ऐसी कुछ चीजें निकल कर सामने आई है जो इस पूरे झूठ से पर्दा उठाती हैं और उस पूरे के पूरे कांड को बेनकाब करती हैं जो अभी तक सामने नहीं आया है। राजू श्रीवास्तव क्या वाकई वैसे ही थे जैसा उन्हें आज दिखाया जा रहा है? और ये हम नहीं, सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं। कुछ लोग तो ये भी आरोप लगा रहे हैं कि जब तक राजू बीजेपी में नहीं थे, तब तक वो काफी अलग थे और अच्छा स्वभाव था, लेकिन जैसे ही वो बीजेपी में गए, उनकी चाल ढाल, व्यवहार, बात करने का तरीका, महिलाओं से बात करने का तरीका, सब कुछ बदल गया था। अब इसकी हकीकत क्या है, उस पर एक नजर डाल लेते हैं। दरअसल मशहूर लेखक हैं अशोक कुमार पांडे, शायद आप जरूर जानते होंगे, जिन्होंने कश्मीर और कश्मीरी पंडित जैसी अच्छी और बेहतरीन किताब लिखी है। उन्होंने राजू श्रीवास्तव की डेथ वाले दिन ही कुछ ऐसा ट्विटर पर शेयर किया, जिसके बाद उनकी मानसिकता पता चल गई, यानी राजू श्रीवास्तव लोगों के बारे में क्या सोचते थे ये पता चल गया। दरअसल अशोक कुमार पांडे का वो ट्वीट आप पहले देख लीजिए, जिसमें उन्होंने क्या लिखा है वो हम आपको पढ़कर बता पाएंगे, और जो उन्होंने स्क्रीनशॉट शेयर किया है वो हम आपको सिर्फ दिखा पाएंगे, वो आप खुद पढ़ लीजिएगा, क्योंकि उसमें जिस भाषा का इस्तेमाल किया गया है वो हम पढ़कर भी आपको नहीं बता सकते हैं, क्योंकि वो हमारी गरिमा से बाहर है और ऐसे शब्दों का इस्तेमाल सभ्य समाज में बहुत ही गलत और हीन माना जाता है। हम पहले आपको अशोक कुमार का वो ट्वीट पढ़कर सुना देते हैं, जिसमें अशोक कुमार ने इनके स्क्रीनशॉट को शेयर करते हुए लिखा हुआ है। आपकी स्क्रीन पर अशोक कुमार का ये ट्वीट जो लिखा गया है, राजू श्रीवास्तव के ट्वीट के स्क्रीनशॉट को शेयर करते हुए लिखा है, आप चाहते हैं कि इनके प्रति मेरे मन में श्रद्धा हो, माफी चाहूंगा, मुझे महान नहीं बनना है। ये अशोक कुमार की तरफ से लिखा गया, और नीचे ये जो पूरा स्क्रीनशॉट शेयर किया गया है, ये आपको बता दें कि फेसबुक अकाउंट का है राजू श्रीवास्तव के, जिस पर उन्होंने इस भाषा का इस्तेमाल किया है जो आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख पाएंगे। आप देखते जाइए, हम आपको हाईलाइट करके दिखा भी रहे हैं, वो देखते जाइए, लेकिन उसको पढ़ने की हिम्मत मेरे अंदर तो नहीं है, आप बस देख लीजिए और पूरा स्क्रीन पर आप देखते जाइए बस कि लास्ट तक इसमें क्या क्या लिखा हुआ है और कौन सी भाषा का इस्तेमाल किया गया है। अब अशोक पांडे ने जब ये पूरा का पूरा जो ट्वीट है स्क्रीनशॉट लेकर उन्होंने शेयर किया है, और वो कैसे अब वायरल हो रहा है, लोग इस पर अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं और कह रहे हैं कि आखिर इतनी मानसिकता गिरी हुई किसी शख्स की कैसे हो सकती है, ये सभी लोग बोल रहे हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि जैसे ही अशोक कुमार ने ये स्क्रीनशॉट शेयर किया, उसके बाद जो है कई लोग जो हैं उन पर आलोचना भी करने लगे, उनको गलत बोलने लगे कि आप ये किस बिहाफ पर बोल रहे हैं, ये सब एडिटेड है, सारी चीज़ें फर्जी हैं। इसमें आशुतोष एक हैं, उन्होंने इसी ट्वीट को कोट करते हुए कहा कि राजू श्रीवास्तव के बारे में कुछ लोग बहुत घटिया लिख रहे हैं, ये कैसे लोग हैं, इनकी मनुष्यता कहाँ मर गई है, ये कौन सी तहजीब है कि मौत के दिन ही लानत मनानत की बात की जाए, ऐसा करने वाले भयावह तौर पर कुंठित हैं। यहीं पर अशोक कुमार पांडे नहीं रुके, इसका जवाब देते हुए भी उन्होंने एक ट्वीट किया, उन्होंने लिखा, भाई साहब गोडसे के वक्त होते तो उसकी मृत्यु के बाद उन्हें महान पत्रकार बता रहे होते, हिटलर की मौत के बाद उसे महान कलाकार बता रहे होते, जियाउल हक की मौत पर तो आप शर्तिया रोए होंगे, भाई साहब की मनुष्यता जिंदाबाद, जो ना जीते बोल पाई कि एक कलाकार का नफरती होना गलत है ना उसके बाद। ये उन्होंने कहा कि अशोक कुमार पांडे ने पूरा शेयर करते हुए उन्होंने लिखा कि आप वैसे लोग हैं जो जिंदा इंसान अगर गलत करता है तब भी आप उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाते हैं, और अब वो जब दुनिया में नहीं है तब भी आप उनकी चीज़ों को सामने नहीं रख पा रहे हैं, ये आपकी मनुष्यता है जो हमेशा जिंदा रहेगी। वहीं ऋचा चड्ढा एक्ट्रेस हैं, इन्होंने भी लिखा है यक, इन अशोक कुमार के ट्वीट पर इन्होंने रिएक्ट करते हुए लिखा कि यक, और आपको बता दें कि ये जो स्क्रीनशॉट है ये फेसबुक का है और इसका फैक्ट चेक जो है वो मोहम्मद जुबैर पहले ही कर चुके हैं, इसका भी हम आपको स्क्रीनशॉट दिखाएंगे, जिसमें साफ तौर पर जुबैर ने कहा है कि इसका जो हम फैक्ट चेक है वो कर चुके हैं, और ये 2018 के ट्वीट्स हैं, 2018 का स्क्रीनशॉट लिया गया है, ये बताया गया है। जुबैर ने भी ट्वीट करते हुए लिखा कि हेयर आर फ्यू संस्कारी गालीज बाई कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव फ्रॉम सेप्टेम्बर
2018 और जब ज़ुबैर ने ये पूरा का पूरा शेयर किया तो उस पर जाहिर सी बात है बाकी लोग भी कमेंट करेंगे कि सब एडिटेड है। और ज़ुबैर का नाम आते ही अलग सा एक जुनून लोगों के अंदर आ जाता है आलोचना करने का। तो ज़ुबैर ने उस पर भी क्लैरिफिकेशन दिया और कहा जो पूरा एफबी की पोस्ट थी, जो एफबी का प्रोफाइल था, उन सभी का स्क्रीनशॉट लेकर पूरा हिस्ट्री उन्होंने निकाल कर शेयर कर दी और लिखा कि हाय देयर नेम ऑफ द पेज वॉज चेंज रिसेंटली सी द हिस्ट्री। उन्होंने कहा कि ये पेज जो है पहले किसी दूसरे नाम से था और अब दूसरे नाम पर हो गया है जो चेंज कर दिया गया है और इसकी हिस्ट्री आप देख लीजिए, उसके बाद आप कहिएगा कि मैंने ये जो है गलत चीज़ बताई है। मैंने कोई गलत नहीं बताया है, 2018 के खुद के उन्होंने कमेंट्स किए थे उसका स्क्रीनशॉट शेयर किया गया है। अब आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि जब तक कलाकार एक कलाकार रहता है तब तक उसकी कितनी ज़्यादा इज्जत होती है, लेकिन जब कलाकार के अंदर इस तरीके की कुंठित मानसिकता आ जाती है तो लोग उसकी कलाकारी के भी कायल नहीं रहते हैं। लोग उन चीज़ों को देखते हैं जो आप महिलाओं के साथ उनके लिए आप कैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, कैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। और राजू श्रीवास्तव की ये ट्वीट साफ तौर पर ये जाहिर करते हैं कि वो किस मानसिकता पर अपनी जो राजनीति है वो आगे बढ़ाना चाह रहे थे। वैसे राम राज्य की बात जो है बीजेपी में काफ़ी ज़्यादा की जाती है, तो एक बात तो ये है कि अभी इतनी जल्द राजू श्रीवास्तव अगर चले गए हैं तो उन्हें नहीं जाना चाहिए था, बट कोई बात नहीं, उसमें तो ऊपर वाले की मर्जी है, जिसको जब जाना है वो जाएगा ही। लेकिन रामराज्य की तस्वीर वो ज़रूर देखनी चाहिए थी कि आने वाले वक्त में कितना ज़्यादा रामराज्य आएगा। राजू श्रीवास्तव के इस तरीके के मानसिकता पर और उनकी इस तरह की भाषा पर आपकी राय क्या है कमेंट करके ज़रूर बताइए था। मैं थी आपके साथ सायमा और आप देख रहे थे बॉलीवुड ब्रेक।